हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। तो दोस्तों, हम क्लास टेंथ के लिए ट्रिगो पढ़ा रहे थे, त्रिकोणमिति। उसमें हम कितना क्लास पढ़ा चुके हैं वो हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम कैसे सीना का फिर सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें प्रश्न 5 से लेकर चलेंगे, क्योंकि हम 4 तक ऑलरेडी बता चुके थे। तो देखिए क्या क्या हुआ। हम बोले थे आप लोग कि डॉक्टर केसी सिन्हा, एनसीईआरटी और भारतीय भवन, तीनों बुक से हम आपको पढ़ाएंगे, तीनों को अच्छे तरीका से हम समाप्त करेंगे। तो हम डॉक्टर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का बुक तो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन भारतीय भवन का बुक अभी स्टार्ट नहीं किए हैं और अभी स्टार्ट करेंगे भी नहीं, क्योंकि जब ये दोनों खत्म हुआ तब उसको रिविजन के लिए अलग से रखे हुए हैं। देखिए, केसी सिन्हा यानी ट्रिगोमेंट्री, ट्रिगो पढ़ा रहे थे, ट्रिगो का कॉन्सेप्ट का 3 वीडियो डला चुका है, कॉन्सेप्ट का सिर्फ। यानी कि टाइप 1 से 4 तक बनाइएगा आप 8.1, उसमें कितने कॉन्सेप्ट, कितने फार्मूला यूज होंगे, वो सारे हम 3 वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो हम ये तीनों बताकर अगला एक सॉल्व हम केसी सिन्हा का भी करा चुके हैं, एनसीईआरटी का भी एक सॉल्व करा चुके हैं, और आज फिर हम केसी सिन्हा का सॉल्व कराएंगे। और हमारा इसी तरह से 5 वीडियो क्लास टेंथ के ट्रिगो त्रिकोणमिति के ऊपर डला चुका है, 3 कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन प्रश्न जो हम कराएंगे वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बुक ही अलग अलग है तो प्रश्न तो अलग होगा ही ना, 1-2 प्रश्न मैच करेंगे वो अलग बात है। तो 3 कॉन्सेप्ट का वीडियो डला चुका है, कॉन्सेप्ट ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, और इसका सोल्फ अलग है, केसी सिन्हा का 8.1 और एनसीईआरटी का 8 सोल्फ अलग है। तो चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा पहला प्रश्न, 5वां प्रश्न कैसा है। देखिए, 5वां प्रश्न बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हम लिख दें, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए, त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज हम लिख दिए हैं पहले, इससे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालेंगे, फिर इससे फिर एक और त्रिभुज दिया हुआ है उससे हम इसका मान निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कि एक त्रिभुज से आप कैसे उसका मान निकालिएगा। तो देखिए, एक त्रिभुज, पहले तो एक त्रिभुज पूरा दिख रहा है, ए बी सी, अगर आप इसको डी मान लेते हैं, इस रेखा को आप डी मान लीजिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए हम इसको डी मान लेते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी। क्यों? क्योंकि एकदम परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, तो ये तो दोनों को समद्विभाजित करेगा, यानी कि दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, बी डी को भी बराबर भाग में बांट देगा और डी सी को भी बराबर भाग में ही बांटेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। अब बी डी बराबर बी सी भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम कर सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, तो आप इसके बराबर कर सकते हैं 1/2 पूरा बी सी कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये बी सी का मान दिया हुआ है पूरा का 10, तो ये इसका आधा ही तो होगा, इसका मान अभी आधा था, दोनों मिलकर 10 हुए हैं, तो इसीलिए हम बी डी बराबर बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी और बी सी दोनों एक सम परपेंडिकुलर लाइन आया, वो दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है। तो देखिए, बी डी और बी सी आ गया, तो देखिए यहाँ से रख दीजिए 1/2, और बी सी का मान जो है, ये पूरा बी सी का मान वो है 10, तो आ गया 5, तो इधर से भी 5 आ गया, बी डी का भी मान आ गया 5 और डी सी का भी मान आ गया 5। क्यों? क्योंकि बी डी बराबर डी सी है इसमें। चलिए, इसका मान भी आ गया इतना। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी कि एंगल हमें जो लेना है वो इस थीटा लेना है, थीटे से ही आपको लाम, कर्ण, आधार सब लेना है, तो थीटा से लेना है, ठीक है, थीटा से ही ना लेना है आपको, लाम, कर्ण, आधार लेना है, किस चीज से, थीटा से लेना है। तो देखिए, ये दोनों इसका तो मान निकाल दिए, तो अब हम निकालते हैं थीटा से सबका मान। तो देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि ए इसका बराबर होगा बी डी बराबर डी सी। अब देखिए क्या करना है, अब ये थीटा है, ठीक है, अब ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हमेशा जो बड़ा भुजा ये बनता है, ये क्या कहलाता है, कर्ण, ये तो कर्ण हो गया। अब ये थीटा के सामने जो बन रहा है ये तो क्या कहलाएगा, लंब। ऐसे किसी भी एंगल के जो सामने भुजा रहता है वो क्या कहलाता है, लंब, लंब कहलाता है ना। अब ये जो नीचे बी डी जो बच गया, ये हमारा हो गया आधार,
हम लिख कर इसलिए बताते हैं, बता रहे हैं कि आपको प्रश्न अच्छे तरीका से समझ में आना चाहिए, रटना नहीं। रटना तो बहुत बेकार चीज़ है, रटिएगा तो आज नहीं तो कल भूल जाएगा। अगर कौन से चुगली आप समझते हैं तो उसको नहीं भूलिएगा, प्लेट काली आप समझते हैं तो देखिए कर दिए। अब इसमें आपको दिख रहा है कि कर्ण भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, तो क्या आप लंब निकाल सकते हैं? हम आपको पाइथागोरस से पर फार्मूला तो बताया ना, तो आप लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर क्या होता है, देखिए लंब कैसे निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस सॉरी 5 का स्क्वायर, 13 का 169 होता है और 5 का 25 होता है। 13 को अगर दो बार गुना कीजिए तो 169 होता है, 5 को दो बार गुना कीजिएगा तो 25। अब इसको घटाइए तो 144 हो जाएगा। अब 144 को पता है आप लोगों की 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। अगर 12 का वर्ग निकालिएगा तो 144 होता है, 144 का वर्गमूल जो रूट होता है स्क्वायर रूट वो 12 होता है। तो हमारा यहाँ से लंब जो आ गया वो भी 12 आ गया। हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए ज़रूरत क्या, चाहे तो कर्ण लंब आधार, ये तीनों ज़रूरत है उसके सिचुएशन पर। अगर साइन थीटा रहा तो लंब और कर्ण ज़रूरत है, कोस थीटा रहा तो आधार कर्ण ज़रूरत है, टेन थीटा रहा तो लंब और आधार ज़रूरत है। कहने का मतलब कि तीनों अनुपात निकालने के लिए आपको तीनों चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए हम तीनों चीज़ की ज़रूरत है तो हम तीनों निकाल लिए यहाँ से, तीनों तो निकाल लिए। अब देखते हैं अब क्या करेंगे, अब निकालना है हमें साइन थीटा। तो पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए थीटा यहाँ है तो साइन थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, लंब बटा कर्ण होता है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सब फॉर्मूला याद है ना। टेन थीटा बराबर आप बोलते जाइए तो हम लिखते जा रहे हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, हम भी बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए, आपको भी याद होते जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ से थीटा सब पता चल गया कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, तो आप इस पे पुट कर लीजिए मान, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, अब इतना आप खुद कीजिएगा, इतना तो अब हम सब आपको बता दिए कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, थीटा यही है, अब चेंज कुछ नहीं होगा, ये थीटा है। अब लंब की जगह लंब बैठा दीजिएगा, कर्ण की जगह कर्ण, यही आपका मान यानी कि आंसर आपका हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा त्रिभुज से भी हम टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बता। तो देखिए दूसरा त्रिभुज क्या है, एक्स वाई जेड त्रिभुज दिया हुआ है, इससे आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए आपको इसमें थीटा कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो कहने का मतलब कि हमारा जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकलेगा वो हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड से निकलेगा, एक्स वाई जेड सॉरी यहाँ पे एम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो एक्स वाई एम से हमारा निकलेगा थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जब भी निकलेगा तो थीटा एक्स वाई एम त्रिभुज में ही निकलेगा। और ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे आ गया है। चलिए इसमें आपका वाई एम दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आप इसमें सोचिए तो कि आप इसमें कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम आपको बताते हैं। ये दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है 16, इधर भी बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है ना। अब आपको पता है कि 90 डिग्री का भुजा 90 डिग्री के सामने जो बनता है वो क्या कहलाता है, कर्ण, कर्ण कहलाता है। अब ये तो अगर इसको आप एंगल लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, आपको पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए हैं। अगर आप क्या कीजिए, इसमें अगर एक्स एम निकाल लेते हैं इससे तो ये निकल जाएगा। देखिए हम इसका त्रिभुज अलग कर देते हैं, इस तरह का त्रिभुज बन रहा है ना, एक एक्स एम जेड, एक्स एम जेड को अलग कर दिए सिर्फ, और 20 और ये दिया हुआ है 16। अब 20 और 16 ये दिया हुआ था, इससे ये निकाल सकते हैं ना आप, हम बताए हैं ना पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसमें कर्ण ये है। अब इसको आप आधार या कुछ भी मान सकते हैं, तो आप एक्स एम कैसे निकालिएगा वो हम आपको बता देते हैं। तो एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट
एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एम जेड का स्क्वायर। तो देखिए एक्स जेड का स्क्वायर 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 20 का 400 माइनस 256, कर सकते हैं ना। तो रूट ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, फिर इधर हो जाएगा 9 5 में गया 4 और 3 2 1 144, और 144 का रूट अभी बताएं कि 12 होता है। तो यहाँ से एक्स एम जो हमारा आ गया, एक्स एम वो हमारा 12 आ गया। तो यहाँ से एक्स एम 12 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्स एम यही ना है, तो इस त्रिभुज से हम इसका एक्स एम निकालनी है। अब चलिए एक्स एम कैसे निकाले, समझ में आ गया ना? हम आपको इस हमारा क्लास लंबा इसलिए होता है कि हम आपको हर एकदम तोड़ तोड़ कर बताते हैं एक एक ये आया कहाँ से, ये किस तरह से आया, क्यों? क्योंकि आपको रट कैसी किसी जगह भी सकते हैं, लेकिन हम रटाते नहीं है, हम आपको समझाते हैं। अगर समझ जाते हैं तो आप खुद ये प्रश्न कभी भी बना सकते हैं। आप चाहे एक साल दो साल छोड़ भी देते हैं तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो आप जीवन में कभी भी बना सकते हैं। तो हम जीवन भर याद कराने वाले काम करते हैं, ना कि तुरंत भूल जाने वाले। तो 12 तो निकालनी है, क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज को अलग कर दिए, उस त्रिभुज से एक सेम निकाल दिए। तो चलिए उस त्रिभुज से एक सेम निकाल दिए, अब उसका काम खत्म। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए अब इस त्रिभुज में अब एक इस त्रिभुज का अलग करते हैं, अब इस त्रिभुज का अलग करते हैं। तो देखिए हम किस त्रिभुज का अलग कर रहे हैं, इस तरह का त्रिभुज आपको किस चीज में बना दिख रहा है, तो एक्स वाई एम इस तरह का त्रिभुज है जहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है। हम इतनी अच्छा तरीका से बता देंगे वो आप कभी नहीं भूलेगा। ये दिया हुआ 5 और यही एक सेम हम निकाल कर लाए जो अभी आया 12, तब ये अब ये आया हुआ है तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, तो आप कर्ण बराबर नहीं निकाल सकते हैं। अंडर रूट इसको एक्स एम का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स एम का स्क्वायर प्लस वाई एम का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144। 12 को अगर दो बार गुना कीजिएगा तो 144, 5 को अगर दो बार गुना कीजिएगा तो 25, इसको जोड़िएगा तो 169, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो ये भी हमारा आ गया 13, तो यहाँ से ये आ गया हमारा 13। अब सबको अलग अलग तरीका से हम कलेक्ट कर दिए, कैसे कैसे कलेक्ट किए वो अलग अलग तरीका से हम आपको बता दिए, सब कैसे निकाले वो हम आपको बता दिए। अब चलिए अब देखते हैं, अब साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकलते हैं। अब ये भी हम निकालेंगे नहीं, आपको इतनी तरीके अच्छे तरीका से हम समझा दिए कि हमको लगता है कि आप खुद निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा वो सिर्फ हम आपको बता देते हैं। तो देखिए हमें थीटा लेना है सबके जगह, तो थीटा ऊपर दिख रहा है, तो थीटा हम बोले कि जिस एंगल लेना है उसके सामने का भुजा लम, तो ये हो जाएगा इसके लिए लम। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा ये तो कर्ण कहलाता ही, 13 हो जाएगा वो इसका कर्ण हो जाएगा। अब ये 90 जो थीटा लेंगे उसके सामने का भुजा तो हमारा हो जाएगा लम, लेकिन ये बचा हुआ भुजा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार। अब साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लम बटा आधार। आप खुद यहां से वैल्यू देखकर इसको बैठा लीजिए। मैं इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि आप यहां से आप जब क्लास खत्म होता है तो आप ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या पढ़े हैं ऑनलाइन क्लास में, यही एक दिक्कत होता है। तो आपको प्रेशर रहेगा कि नहीं, कुछ हमारा जो ऑनलाइन क्लास किए उसमें पूरी चीज नहीं बताई गई है, कुछ छोड़ दिया गया है, तो आप उसको नोट कीजिएगा, तो एक बार अपने तरीका से निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकलेगा तो आप थोड़ा माइंड पे जोड़ दीजिएगा, तो धीरे धीरे निकलेगा, तो इससे आपका हैबिट भी बनते जाएगा सोचने का एबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास फिर लेकर आएंगे, तो उसका आप इंतजार कीजिएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन आप खुद नोट बनाते जाइएगा। अगर आपका डिमांड है कि आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपका बेसिक बिल्कुल कमजोर है मैथ में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा बेसिक जो मैथ है वो हमारा बेसिक मैथ है वो हमारा क्लियर करा दीजिए, तो हम उसको इतनी अच्छी तरीके से कराएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। तो हम जीरो लेवल से ऐड से चलेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट बोर्ड मास ये सब आपको क्लियर करते जाएंगे, प्लस में इधर टेंथ का भी चलते रहेगा।
वो हफ्ता में एक दो दिन क्लास लाएंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा बेसिक भी। अगर आपको बेसिक कमजोर है तब आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास को समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। चलिए आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास फिर लेकर आएंगे, तो उसका आप इंतज़ार कीजिएगा और बेहतरीन से बेहतरीन आप खुद नोट बनाते जाइएगा। अगर आपका डिमांड है कि आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है मैथ में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा बेसिक जो मैथ है वो हमारा बेसिक मैथ है वो हमारा क्लियर करा दीजिए, तो हम उसको इतनी अच्छी तरीके से कराएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, तो हम जीरो लेवल से ऐड से चलेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट बोर्ड मास ये सब आपको क्लियर करते जाएंगे, प्लस में इधर टेंथ का भी चलते रहेगा। वो हफ्ता में एक दो दिन क्लास लाएंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा बेसिक भी। अगर आपको बेसिक कमजोर है तब आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास को समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।